गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम ASN हाई स्कूल। आज का टॉपिक क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो में हमने सेल के बारे में पढ़ा था। सेल क्या है, सेल की डिस्कवरी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। यस, स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके शेप्स कैसी हैं, नंबर्स कैसे हैं और साइज कैसा है। आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। ओके, जैसे कि देखो, जैसे बेसिक कंपोनेंट है किसी सेल के कौन कौन से हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। सेल मेम्ब्रेन जो एक सेल को चारों से कवर करके रखती है, साइटोप्लाज्म उसके अंदर का लिक्विड मटेरियल एंड न्यूक्लियस उसके चार उसके अंदर मिडिल सेंटर, सेंटर को या मिडिल में पाया जाने वाला एक ऐसा कंपोनेंट जो कि पूरी सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, लाइक अवर ब्रेन। ओके, सेल मेम्ब्रेन को दूसरे नाम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली क्या होती है, पोरस, पोरस मतलब छोटे छोटे पोर पाए जाते हैं जो कि अलाउ करते हैं कि बाहर से उन्हें कौन सा कंपोनेंट लेना कौन सा नहीं लेना। जैसे अगर हम एक सेल के बारे में बात करें, सेल का स्ट्रक्चर आपको डायग्राम के थ्रू दिखाया गया। देयर टू सेल्स, द प्लांट सेल इन द एनिमल सेल। अगर हम बेसिकली एनिमल सेल को देखते हैं तो चारों ओर की आपको लेयर दिखा रही है ब्लैक कलर की, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। उसके अंदर का जो येलो कलर का जो लिक्विड मटेरियल चारों ओर फैला हुआ है, दिस आर कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अंदर मिडिल में जो डेंस मीडियम है वाइट कलर का दिखाई दे रहा है, दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपको बहुत स्मॉल सा राउंडेड स्पेरिकल सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज द न्यूक्लियोलस। आप इसके बारे में डिटेल वाइज बाद में पढ़ेंगे, पहले डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं। वाइट कलर के दिखाई दे रहे हैं ब्लैंक ब्लैंक, दिस इज द वैक्यूल। वैक्यूल मतलब खाली जगह। साथ में ब्लैक ब्लैक कलर के छोटे छोटे पार्ट थे चारों ओर फैले, दिस इज द प्लास्टिड। ओके, चलिए अब वन बाय वन हम समझते हैं इसकी वर्किंग के बारे में। चलिए भाई, सेल वॉल, हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ लिया। एक्चुअली कहते हैं प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स के अपनी सेंसेशन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, टेम्परेचर से, हाई विंड से, एटमोसफेयर से, मॉइस्चर से बचने के लिए सेल मेम्ब्रेन के चारों ओर एक दूसरी मेम्ब्रेन पाई जाती है, दिस इज कॉल्ड द सेल वॉल, जो कि प्लांट को प्रोटेक्शन करती है, उसकी प्रोटेक्शन करती है। ओके, सेम साइटोप्लाज्म हम पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म क्या है, थिक मटेरियल है जो कि एक सेल के अंदर पाया जाता है, और इसके अंदर पाए जाते हैं, इस मटेरियल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट जिसे कहते हैं सेल ऑर्गेनलीज, दैट्स आर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, राइबोसोम्स एंड सोन। उनके अपने अलग अलग फंक्शंस होते हैं। बेसिकली द मेन फंक्शन इज द न्यूक्लियस। द इम्पोर्टेंट फंक्शन किसी भी लिविंग सेल का होता है न्यूक्लियस, क्योंकि वो सेल के सेंटर में पाया जाता है। माइक्रोस्कोप से देखने पर आपको थोड़ा डेंस डार्क कलर का दिखाई देता है। ये भी चारों ओर से घिरा होता है एक मेम्ब्रेन से, दिस इज कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये भी मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन की तरह पोरस है, कौन से मटेरियल को अंदर आना है कौन से को नहीं आना ये डिसाइड करती है। ओके, हायर मैग्निफिकेशन के द्वारा देखा जाए तो न्यूक्लियस को तो अंदर एक स्पेरिकल कलर, मैंने कहा था ना छोटे वाले स्पेरिकल कलर का एक दूसरा कंपोनेंट पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे कहते हैं क्रोमोसोम्स, और इन्हें पे पाए जाते हैं जीन्स। जीन्स क्या होते हैं, एक्चुअली जीन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। ये क्या करते हैं, पेरेंट के जो करेक्टर हैं उसके ऑफस्प्रिंग उसके बेबीज में लेकर जाते हैं, दिस कॉल्ड जीन्स। कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम्स पर, और क्रोमोसोम्स कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज क्लियर। ये एक्चुअली क्या है, क्रोमोसोम्स ऐसा नहीं हमेशा आपको दिखाई देते, ओनली जब सेल डिवाइड होने वाली होती है तब आपको अपीयर होते हैं। चलिए अब न्यूक्लियस का वर्क क्या था, फर्स्ट वो सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करता है और साथ साथ में सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, दैट इज क्लियर। चलिए भाई, न्यूक्लियस आपने पता है, न्यूक्लियर के आग चारों साइड एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, उसके प्रेजेंस और अब्सेंस के बेस पे दो पार्ट में ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया, दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिसमें न्यूक्लियस के चारों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, दीज आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल्स या प्रोकैरियोट्स, ये एनिमल्स कहलाते हैं प्रोकैरियोट। और ऐसे एनिमल जिनमें वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है न्यूक्लियस के चारों ओर, दिस इज कॉल्ड यूकैरियोट्स, जैसे कि वी आर, हम क्या हैं, वी आर यूकैरियोट्स।
ओके नेक्स्ट जो पार्ट है दिस इज अ वैक्यूल, हमने कहा था ना खाली स्पेस पाया जाता है दिस इज कॉल्ड वैक्यूल्स हैं। ये कहीं किसी सेल में बहुत बड़ी होती है तो किसी सेल में बहुत ज़्यादा छोटी होती है। बेसिकली देखा जाए तो एनिमल सेल में बहुत सारे नंबर्स में होती है, छोटी छोटी होती हैं, पर प्लांट सेल में सिंगल और बहुत बड़े साइज में होती है। ओके इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है प्लास्टिड्स, कलरफुल साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे पार्ट दिखाई देते हैं, कलरफुल पार्ट, दीज आर कॉल्ड प्लास्टिड। यस, लीफ का जो कलर ग्रीन क्यों होता है, क्योंकि इसमें ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल, और आप क्लोरोफिल का यूज़ जानते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। ओके इसके बाद देखो प्लांट और एनिमल सेल दोनों के बीच में कंपेरिजन दिखाया हुआ है विद स्ट्रक्चर, तो आप कर सकते हो। यस बताओ सेल मेम्ब्रेन किस किस में, दोनों में प्रेजेंट है। यस प्रेजेंट प्रेजेंट। सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में नहीं पाई जाती। न्यूक्लियस दोनों में पाया जाता है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी दोनों में ही पाई जाती है। साइटोप्लाज्म भी दोनों में पाया जाता है, प्लास्टिड दोनों में पाए जाते हैं, पर इसमें किस में, प्लांट में ग्रीन कलर के पाए जाते हैं क्लोरोफिल, और एनिमल सेल में कलर के अकॉर्डिंग डिफर होते हैं। वैक्यूल्स दोनों में पाई जाती है, पर प्लांट सेल में सिंगल वन, पर एनी सेल में मैनी इन नंबर्स। ओके आपने जाना सेल के बारे में, सेल के पार्ट्स के बारे में, और एक छोटी सी टेबल भी क्लियर की। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।